हेलो दोस्तों, हमारी किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम कुछ स्पेशल बनाने वाले हैं, जिसमें आज हम बनाने वाले हैं चाउमीन की पूरियां। आपने वैसे चाउमीन तो खूब खाई होगी, पर आज चाउमीन की पूरियां खाकर देखिए, बनाकर देखिए कि चाउमीन की पूरियां कैसी लगती हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने ऑयल में कुछ लंबे शेप में चार लंबे शेप में कट की हुई हरी मिर्च और दो लंबे शेप में कट की हुई प्याज ऑयल में ऐड करना है, और लंबे शेप में कट किए हुए दो आलू ऐड करने हैं। और अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं, और लंबे शेप में कट किए हुआ एक टमाटर इसमें ऐड करेंगे। और इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसाले में हमने एक चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चौथाई चम्मच हल्दी, एक चौथाई चम्मच गरम मसाला, एक चौथाई चम्मच किचन किंग मसाला ऐड किया है। और सारे ही मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं और इनको 5 मिनट लो फ्लेम पे पकने देते हैं। हमारे सारे ही मसाले अच्छी तरीके से पककर तैयार हो चुके हैं। अब हम इसमें चाउमीन ऐड करेंगे। चाउमीन ऐड करने के बाद में हम इसमें लगभग 2 गिलास पानी ऐड करेंगे और अपनी चाउमीन को कुछ इस तरीके से इसमें मिक्स कर देते हैं। और ये देखिए फ्रेंड, हमारी चाउमीन में बॉईल आना स्टार्ट हो चुका है, और इसको 5 से 7 मिनट और पकने देते हैं। और एक चम्मच इसमें ग्रीन चिली सॉस, एक चम्मच टमाटर सॉस ऐड करेंगे और इसको एक बार फिर से अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। और ये देखिए हमारी चाउमीन अच्छी तरीके से पक चुकी है। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। प्लेट में निकालने के बाद में हम इसमें एक बाउल गेहूं का आटा ऐड करेंगे और इसको ऐसे मसलते हुए तैयार करना है। और ज़रूरत पड़ने पर हम इसमें आधा कटोरी गेहूं का आटा और ऐड करेंगे और इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, अब डो तैयार हो चुका है। अब हम इसकी लोइयां तैयार करेंगे। लोई हमको कुछ इस तरीके की लेना है, और अब इस पे कुछ सूखा आटा इस तरीके से डालते हुए हम इसे पूरी का शेप देंगे। पूरी इस तरीके से बेलने के बाद में हमको इसको हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है। और ये देखिए फ्रेंड, हॉट ऑयल पर जब आप पूरी को इस तरीके से डालोगे तो आपकी पूरी जो है वो बिल्कुल क्रंची बनने वाली है। इसी तरीके से हम अपनी सारी पूरियां तैयार कर लेंगे। और जो आपने आज तक चाउमीन के खूब मज़े लिए होंगे, एक बार आप चाउमीन की पूरियां खाकर देखिएगा। चाउमीन की पूरियां चाउमीन से भी अच्छी लगती हैं, ये बहुत चटपटी और क्रंची बनती हैं। तो एक बार आप इसको ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको हमारी चाउमीन से बनी हुई पूरियों की रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।